अयोध्या में कल 30 अक्टूबर को होने वाले दीपोत्सव को लेकर उत्साह का माहौल है। इसी उत्साह को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए देश का चौथा स्तंभ कही जाने वाली मीडिया के सभी चैनल और उनके संवाददाता इस वक्त अयोध्या में है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला की यह खास रिपोर्ट। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भले ही ये पहला दीपोत्सव है, लेकिन इसके पहले भी 7 संस्करण दीपोत्सव के हो चुके हैं, लेकिन इस पहले संस्करण को प्राण प्रतिष्ठा के बाद देखने के लिए तमाम सारे पत्रकारों का दल भी यहां पर आया हुआ है। उनकी अयोध्या के बारे में क्या अनुभूति है, वो क्या अयोध्या में देख पाए हैं और क्या कुछ सोच रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? संजय टुटेजा जी। क्या अयोध्या में आकर के आपको लगा? अयोध्या मैं पहली बार आया हूँ और जो मैंने यहाँ पर देखा है, जो अयोध्या का डेवलपमेंट देख रहे हैं और जो पुरानी अयोध्या को जिस तरीके से सजाया गया है, मतलब परमानेंटली जो एक उसको डेकोरेट किया गया है, वो सच में, और मुझे तो लगता है कि अयोध्या वाले बहुत खुशकिस्मत हैं कि अयोध्या दिनों दिन बदल रही है। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं, हमें एक अनूठा अनुभव हो रहा है कि सच में कि एक मंदिर बन जाने से भगवान राम का पूरे इलाके में कितना बड़ा बदलाव हो गया। अयोध्या आकर के मुझे दिव्य अनुभूति हुई। इतने दिन से हम तो ये रामचंद्र जी का केस भी कवर किए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और हम जब दिल्ली से आए और आज हमने देखा तो मुझे बहुत हर्ष लगा कि यही हमारी अयोध्या थी और ये अब आज हमने वो अचीव कर लिया है। मुझे बहुत दिव्य अनुभव हुआ। संतोष जी हमारे साथ हैं। सर क्या कहेंगे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? देखिए, ये पूरा मीडिया कार्यक्रम जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें हमने अलग अलग मीडिया के एजेंसियों को एक साथ इकट्ठा करके अयोध्या का आज दौरा करा रहे हैं। और इसका मुख्य मकसद जो है अयोध्या नगरी श्री राम लला का जो नए मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसके अलावा दीपोत्सव दिवाली के अवसर पे जो दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है जिसमें कि रिकॉर्ड दियो का एक संगम होगा, उसके बारे में पत्रकार बंधुओं को अनुभव कराना है, उनको अवगत कराना है और पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पूरे देश के लोगों को अनुभव कराना है कि इस सांस्कृतिक नगरी में कैसे विकास हो रहा है, कैसे नए मंदिर का निर्माण हो रहा है और कैसे दीपावली के पावन अवसर पे जो है इतना बड़ा एक दीपों का कार्यक्रम हो रहा है जिसको कि देखने के लिए दुनिया भर के लोग आए हुए हैं और देश के लोगों का यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं पत्र सूचना कार्यालय की भी मंशा है, सरकार की भी मंशा है कि अयोध्या का जो स्वरूप है, जो हमारी एक पौराणिक विरासत है, वो देश और दुनिया के सामने रखी जाए। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ आशुतोष शुक्ला, DD News अयोध्या।